हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका बगारिया। वी हैव स्टार्टेड विद अवर 11th चैप्टर, दैट इज किंगडम इन साउथ इंडिया। इन दैट वी स्टडीड अबाउट चोला, पांड्या एंड चीरा डायनेस्टी। देन वी केम टू पल्लवास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द राष्ट्रकूटास। दंडी दुर्गा वॉज द फर्स्ट पावरफुल किंग ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अभी दंती दुर्गा, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। द रूल ऑफ राष्ट्रकूटा वॉज स्प्रेड फ्रॉम विंध्या रेंजेस टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अभी ये जो रूल है राष्ट्रकूटास का, ये कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ था? इट वॉज स्प्रेडेड फ्रॉम विंध्या रेंजेस टू कन्याकुमारी इन द साउथ। आफ्टर दंती दुर्गा हिज अंकल कृष्णावन बिकेम द किंग। अभी दंती दुर्गा के बाद उनका जो अंकल था कृष्णावन, ही बिकेम द किंग। ही अपरूटेड चालुक्यास रूल। और उसने व्हेन कृष्णावन बिकेम द किंग, व्हाट हैपेंड? ही डिड द, उसने चौलास का क्या किया, सॉरी चालुक्यास का पूरा रूल ही फिनिश कर दिया। द फेमस कालिदास टेम्पल एट एलोरा इज डिस्क्राइब्ड टू कृष्णावन। अभी एलोरा फेमस में ना कालिदास का एक फेमस टेम्पल है, वो किसने है? वो कृष्णावन ने बनाया हुआ है। द सक्सेडिंग राष्ट्रकूटास रूलर बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन नॉर्थ इंडिया एज वेल। अभी द सक्सेडिंग राष्ट्रकूटास रूलर क्या हो गया? नॉर्थ इंडिया में भी इन्फ्लुएंस हो गया, नॉर्थ इंडिया में भी आ गए वो। अमुक वर्ष वॉज द केपेबल किंग ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अभी अमुक वर्ष, ही वॉज द केपेबल किंग। अमुक वर्ष कंपोज द टेक्स्ट एंड टाइटल रत्नमालिका एंड कवि राजमार्ग। अभी अमुक वर्ष ने क्या किया? ही कंपोज टू टेक्स्ट, मतलब उसने दो बुक लिखी, एक तो है रत्नमालिका एंड कवि राजमार्ग। ही एस्टेब्लिश्ड ए न्यू सिटी एट मनकयकेटा, मलखेट नियर सोलापुर। उसने न्यू सिटी एस्टेब्लिश की सोलापुर के पास। द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द अटैक बाय परमास एंड चालुक्यास ऑफ कल्याण। अभी ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी क्यों डिक्लाइन हुई? क्योंकि इन पे अटैक परमास ने और चालुक्यास ने ऑफ कल्याण इन लोगों ने किए थे। नाउ शिलारास। देयर वेर थ्री ब्रांचेस ऑफ दिस डायनेस्टी, शिलारास ऑफ साउथ कोकण, नॉर्थ कोकण एंड कोल्हापुर। दे कॉल्ड देमसेल्फ एज तरंगपुर देशवर, टांगर थेर ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। जीमुत वाहन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस थ्री ब्रांचेस। अभी जीमुत वाहन, ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ शेलारास। शेलारास इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस, दैट इज शेलारास ऑफ साउथ कोकण, नॉर्थ कोकण एंड कोल्हापुर। दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एज द फेडरेटरी ऑफ रक्षकुटास एंड लेटर द चालुक्यास। अभी 300 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। ये फेडरलिस्ट क्या है? फेडरलिस्ट यानी ये मेरी लैंड है, लाइक एग्जांपल दिस इज माय लैंड, ऑन माय लैंड यू वर्क, बट इसे जो भी मिलेगा वो मुझे आएगा पहले और फिर उसका कुछ है तुझे जाएगा, ऐसे बोल के उन्होंने राष्ट्रकूटास और चालुक्यास इन दोनों को मिला के दे रूल फॉर 300 ईयर्स। नाउ शेलारास ऑफ साउथ कोकण। सनाकुला एस्टेब्लिश द साउथ कोकण ब्रांच ऑफ शेलारास। अभी सनाकुला, ही एस्टेब्लिश द साउथ कोकण ब्रांच। हिज सन धमियार सेट अप द विलेज ऑफ वालीपट्टनम एंड बिल्ट अ फोर्ट देयर। अभी सनाकुला का बेटा कौन है? धमियार। He set up the village of Valipattanam and built there a fort. Later, King Aditya Varma expanded his kingdom from Thane to Goa. फिर बाद में इनका एक letter Aditya Varma, what he did? He expanded the kingdom from Thane to Goa. Ratraj was the last ruler of this dynasty. अभी शेलारास of South Kokan का last ruler कौन था? Ratraj.
The history of this dynasty is known with the help of the copper plate found at Khare Pathan. अभी इस डायनेस्टी के बारे में अपने को कैसे पता चला? इस डायनेस्टी के बारे में अपने को जो कॉपर प्लेट्स मिली है एट खारे पठान, वहाँ से अपने को पता चला। ये साउथ कोकण के बारे में, शेलार्स ऑफ साउथ कोकण। नाउ शेलार्स ऑफ नॉर्थ कोकण, कापरडी एस्टेब्लिश द नॉर्थ कोकण ब्रांच ऑफ श्रेलहारस। रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच वेर इनिशियली द फेडरेटरी ऑफ द रक्षकुटास। अभी कापरडी ही एस्टेब्लिश द नॉर्थ कोकण, और पहले ये नॉर्थ कोकण क्या था, इनिशियली इट वॉज द फेडरेटरीज ऑफ द रक्षकुटास। दैट कैपिटल वॉज थनाक। उनका कैपिटल क्या था? थनाक, राइट? नाउ वी कॉल इट एज अ थाने। अपरजिता वॉज अनदर इम्पोर्टेंट किंग ऑफ दिस ब्रांच। अभी अपरजिता ये भी एक किंग था। ही रूल्ड फॉर 35 years। चित्रार फॉलोड अपरजिता एज किंग। अभी अपरजिता वॉट ही डिड, ही रूल्ड फॉर 30 years। देर आफ्टर चित्रार फॉलोड अपरजिता एज अ किंग। हिज ब्रदर फाउंड फॉर देयर क्लेम टू द थ्रोन। अभी हिज ब्रदर फॉट, अभी अपरजिता का भाई ही फॉट फॉर द थ्रोन। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस द शेलास ऑफ कोल्हापुर एंड कादमदास कैप्चर सम ऑफ द रीजन इन नॉर्थ कोकण। अभी पता चल रहा है कि भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं, इसका एडवांटेज किसने उठाया? शेलास ऑफ कोल्हापुर एंड कादमदास एंड दे कैप्चर द नॉर्थ कोकण। मुमनिन ब्रदर ऑफ चित्रराज बिल्ड द ह्यूज टेम्पल ऑफ अम्बरेश्वर महादेव एट अम्बरनाथ। अभी मुमनिन ये किसका है? ये ब्रदर ऑफ चित्रराज। उसने क्या किया? ही बिल्ड अ ह्यूज टेम्पल एट अम्बरनाथ। दिस इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ भूमिजा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट इन महाराष्ट्र। और इससे क्या हो गया? भूमिजा टेम्पल का एक स्टाइल चालू हो गया। भूमिजा इज द स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग आर्किटेक्ट का एक स्टाइल है, और उस हिसाब से महाराष्ट्र में उस स्टाइल को अडॉप्ट करते हुए महाराष्ट्र में टेम्पल का आर्किटेक्ट बनना चालू किया। शेलास ऑफ कोल्हापुर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ सातारा सांगली रत्नागिरी एंड बेलगाम वेर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। जतिगा एस्टेब्लिश द कोल्हापुर ब्रांच ऑफ शेलास। नाउ हु एस्टेब्लिश द कोल्हापुर ब्रांच? जतिगा। भोज टू वॉज द इम्पोर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। भोज टू ही वॉज द इम्पोर्टेंट किंग। द सिटी ऑफ कोल्हापुर बालीवाड़े एंड पन्हाला वेर द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। अब सिटी ऑफ कोल्हापुर और बालीवाड़े एंड पन्हाला ये कैपिटल थे इनके, सॉरी वेर द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। द शेलास ऑफ कोल्हापुर आर क्रिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ मैग्निफिसेंट खोपेश्वर महादेव टेम्पल एट खिदरापुर। अभी खिदरापुर में महादेव का, खोपेश्वर महादेव का टेम्पल है, उससे इन लोगों के बारे में पता चलता है अपने को। नाउ नेक्स्ट इज द गोंड्स। द गोंड डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश एट चंदा चंद्रपुर ड्यूरिंग द यादव पीरियड। अभी गोंड डायनेस्टी कब हुआ था? इट वॉज एस्टेब्लिश एट चंदापुर ड्यूरिंग द यादव पीरियड। होल भील वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी? होल भील। ही वॉट द पीपल ऑफ गोंड ट्राइब together and encouraged them to rebel against the Naga dynasty. What goal building? He brought the people of Gond tribe together and he encouraged, he gave them a motivation to fight against the Naga dynasty. He established the capital at Shirpur. और उन्होंने अपना capital कहाँ बनाया? Shirpur में। In the later period, Khandakya Bala Singh built a fort at बेलापुर एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम शिरपुर टू बेलापुर। अब क्या हुआ बाद में? क्या हुआ? खंडक्या बाला सिंह, वॉट इट ही बिल्ड अ फोर्ट एट बलारपुर एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम शिरपुर टू बलारपुर। द टेम्पल एट अखिलेश्वर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब टेम्पल इन अखिलेश्वर का, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। नीलकंठ शाह वॉज डिफीटेड बाय
रघुजी भोसले ऑफ नागपुर एंड द गोंड टेरिटरी वॉज मर्ज्ड इन हिज किंगडम। अभी नीलकंठ शाह उसको किसने डिफीट किया, डिफीटेड बाय रघुजी भोसले ऑफ नागपुर, और ये गोंद क्या हो गया, मर्ज हो गया उस किंगडम में। 62 गोंद किंग रूल्ड फॉर मेनी सेंचुरीज इन देवगढ़ नागपुर एंड चंद्रपुर इन महाराष्ट्र। अब 62 गोंद किंग्स, अब 62 किंग्स थे गोंद के, उन सब ने कहाँ कहाँ पे रूल किया, बहुत सालों तक रूल किया, देवगढ़ नागपुर एंड चंद्रपुर इन महाराष्ट्र। द स्ट्रगल ऑफ क्वीन दुर्गावती ऑफ द गोंड डायनेस्टी अगेंस्ट द मुगल्स इज कंसिडरेबली इम्पोर्टेंट। अभी क्वीन दुर्गावती शी स्ट्रगल्स अगेंस्ट द मुगल्स फॉर लॉन्ग टाइम, और उसका जो स्ट्रगल है ना, इट हैज बीन गिवन कंसिडरेबली गुड इम्पोर्टेंस। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड दुर्गावती फॉट अगेंस्ट इन मुगल एम्परर अकबर। अभी दुर्गावती का क्या हो गया, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ शी फॉट अगेंस्ट द मुगल एम्परर अकबर। शी वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर टू हिम, इंस्टेड शी प्रेफर्ड डेथ। लाइक आज अपन बोलते हैं ना झांसी की रानी, वो क्या बोलते हैं, मैं झांसी नहीं दूंगी, उसी तरह शी वॉज लाइक मैं मेरा एरिया नहीं दूंगी आपको, चाहिए तो मेरी जान चली जाए तो चलेगा, बट आई वोंट सरेंडर ना। द नेक्स्ट इज द यादवास। यादवा डायनेस्टी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी ऑफ मिडल महाराष्ट्र भिलेम, सॉरी माधवा डायनेस्टी क्या है, एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है महाराष्ट्र में। आज भी अपन यादव के बहुत लोग हैं ना, ये कास्ट है ना, सरनेम है, और इसके बहुत से लोग हैं इस कास्ट के सरनेम के। भिलेम वी इज द इम्पोर्टेंट किंग ऑफ यादवा डायनेस्टी। ही एक्सपांडेड हिज किंग बाय डिफीटिंग द कलाचुरीज। अभी ही एक्सपांडेड द किंगडम बाय डिफीटिंग द कलाचुरीज। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट देवगिरी एंड गॉट हिमसेल्फ कोरोनेटेड। अब उसने क्या किया, उसने ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट देवगिरी, और वो वहाँ पे सेटल हो गया। इन द लेटर पीरियड सिंघान वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अभी बाद में क्या हो गया, सिंघान ही बिकेम द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही डिफीटेड द होयसलास शिवहारास एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ यादवास। वॉट ही डिड, ही डिफीटेड होयसलास एंड श्रीहलारास एंड द एक्सपांडेड द रूल ऑफ यादवास। इन 1294 BCE अलाउद्दीन खालजी अटैक साउथ इंडिया। अभी इन 1294 CE अलाउद्दीन खालजी अटैक साउथ इंडिया। रामदेवा द यादव किंग वॉज डिफीटेड बाय खालजी। अभी रामदेवा इसको किसने डिफीट किया, जो यादव का किंग था उस वक्त, उसको खालजी ने डिफीट कर दिया। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड द यादव रूल क्या हो गया, इट बिकेम डिक्लाइन। अब यादव रूल क्या होगा, यादवा रूल क्या हो गया, इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। इन 1307 CE अलाउद्दीन सेट हिज कमांडर मलिक काफूर टू कैरी आउट अ कैंपेन ओवर देवगिरी। अभी इन 1307 CE में क्या होगा, अलाउद्दीन ने क्या किया, कमांडर्स भेजे अंडर लीडरशिप ऑफ मलिक काफूर टू देवगिरी कॉन्कर करो, देवगिरी पे अपना कब्जा जमाओ करके। ही डिफीटेड द यादवास, और यहाँ पे यादवास की डिफीट हुई। यादवास एक्सेप्टेड द फेडरेटरी स्टेट टू दिल्ली। यादवास ने क्या किया, अपना जो स्टेट है दिल्ली के अंदर डाल दिया, एंड इट बिकेम द फेडरेटरी स्टेट। इन 1310 CE यादवास किंग शंकर देव वॉज किल्ड बाय मलिक काफूर। अभी क्या हो गया, यादवास का जो किंग था शंकर देव, ही वॉज किल्ड बाय मलिक काफूर। इन 1318 CE द रूल ऑफ यादवास वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय द दिल्ली सल्तनत। अब क्या हो गया, 1318 में क्या हो गया, रूल ऑफ यादवास वॉज कम्प्लीटली एंडेड बाय द दिल्ली सल्तनत। द यादवा पीरियड हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। अब यादवा पीरियड का क्या है, एक सिग्निफिकेंस हिस्ट्री है, एक सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस है महाराष्ट्र की हिस्ट्री में। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज नोटेबल डेवलपमेंट इन द कल्चरल स्पेयर ऑफ महाराष्ट्र। अब यादवा के पीरियड में क्या हुआ, अपने यहाँ पे कल्चरल चेंजेस बहुत हुए, कल्चरल डेवलपमेंट बहुत हुए। द माधुवा एंड
Warkari sects had beginning in Yadava period. Okay, Mahaduvas and the Warkari period. जो Warkari लोग आज अपन देखते हैं ना जो who goes to Pandurpur and all, वो Yadava period में ही चालू हुआ है. During this period, Pathan in Khandesh, Sologai in Karnataka and Paithan in Maharashtra became important learning center. अब इस वक्त क्या हुआ? खानदेश में, महाराष्ट्र में लर्निंग सेंटर्स को इम्पोर्टेंस मिला. ड्यूरिंग द सेम पीरियड संस्कृत टेक्स्ट वर रिटन ऑन सब्जेक्ट लाइक धर्मशास्त्र, पूर्वा, मीमांसा लाइक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, न्याय, वेदांता. अभी उसी वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये यादवास के पीरियड में भी है ना, बहुत सारे संस्कृत स्क्रिप्ट वर टेक्स्ट वर रिटन ऑन द सब्जेक्ट लाइक धर्मशास्त्र, पूर्वा, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, वेदांता, इन सब सब्जेक्ट्स में बहुत से टेक्स्ट लिखे गए थे. द क्रिटिकल वर्क ऑन याज्ञवल्क्या बाय अपरक चतुर्व घंजिकांतमानी आर अमंग द इम्पोर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट. अब संस्कृत टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? चतुर्व घंजिकांतमानी. देन संगीत कार टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इंडियन म्यूजिक बाय शारंगदेव इज कंसिडर रिलेवेंट इवन टूडे. अभी संगीत पे भी टेक्स्ट लिखा था संगीत रत्न कारक, ये टेक्स्ट लिखा था फॉर इंडियन म्यूजिक. नीलाल चरितास रिटन बाय ममिना भट्ट ऑफ द महान भुआसेक, विवेक सिंधु बाय मुकुंद धरोज एंड भवत दीपक बाय ज्ञानेश्वर बिलोंग टू दिस पीरियड. अब बहुत से लिटरेचर्स लिखे थे, बहुत से बुक्स लिखे थे, ऑल दिस बुक्स बिलोंग टू द यादवास पीरियड. सिमिलरली द कंपोजिशन ऑफ सेंट्स पोएट लाइक नामदेवा जनाबाई चोखाबो ऑफ द वारकरी से कंपोज पोएम विच आर नोन एज अभ्यंगास अभंग्स. अभी बहुत से पोएट वगैरह लिखे थे उस वक्त फेमस, वारकरीज पे पोएम लिखे थे, जानाबाई, इन सब ने बहुत से पोएम वगैरह लिखे थे वारकरीज पे वगैरह, तो उन सबको आज अपन अभंग्स बोलते हैं. वो यादवास के पीरियड पे ही है. मैनी टेम्पल्स वर बिल्ड इन दिस पीरियड, दे आर जनरली रेफर टू हेमंत पंथी टेम्पल. अभी बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए थे उस वक्त, एक तो था हेमंत पंथी टेम्पल. द गोमटेश्वर टेम्पल एट सिन्नर एंड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट अंजनरी आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल अमॉन्ग द टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब गोंडेश्वर का टेम्पल और वो टेम्पल ऑफ अंजेरी आर द एग्जाम्पल. देख टेम्पल्स वो कितने अच्छे से और कितने फाइनेस्ट काम से बनाए थे. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हेमंत पटनी टेम्पल इज दैट नो मोर्टार इज यूज. मतलब उन्होंने कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मोर्टार इज अ टाइप ऑफ मटेरियल इट वॉज नॉट यूज एट दैट टाइम. इंस्टेड द स्टोन्स आर इंटरलॉक्ड विद द हेल्प ऑफ मोर्टाइज एंड टेनन. और स्टोन को है ना उन्होंने ऐसे इंटैक्ट कैसे किया, खड्डे में एक के अंदर एक ऐसे स्टोन डाल के खड्डे में ऐसे इंटैक्ट करके दे बिल्ड द टेम्पल. ड्यूरिंग दिस पीरियड द क्रूशल फोर्ट्स ऑफ अंकाई एंड तंकाई वर कंस्ट्रक्टेड. अभी जो फोर्ट्स हैं अंकाई और तंकाई के वो भी उसी वक्त बनाए थे. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ट्रेड एंड सोशल लाइफ. In the administrative system of South Indian dynasty, there were officers such as Mahadhanayak, Rashtrika, Deshadhikruta, Amatya, Ayukta, etc. अभी ये South Indian के dynasty में बहुत से officers थे, जैसे कि देखो Mahadhanayaka, Rashtrika, Amatya, Akutya, etc. The council of minister in the Chola dynasty was called Udakuttam. उदकुत्तम. अभी जो ऑफिसर था, काउंसिल ऑफ ऑफिसर था चोला किंगडम में, ही वॉज नोन एज उदकुत्तम. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी प्रोविंसेस. और वो जो किंगडम था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था. प्रोविंसेस में क्यों डिवाइड किया जाता था? ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके. अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली वॉज द चीफ ऑफ द मंडाला. अभी मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली जो रहते थे, जो बड़े फैमिली के मेंबर रहते थे, ही वॉज द चीफ ऑफ द मंडालम. देयर वेर
many officers under him, such as Vishaya Pati, Deshanidhipati, Deshadrikrut, Rashtrika, etc. अभी जो रॉयल फैमिली का जो मंडाला है, चीफ ऑफ द मंडाला है, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स रहते थे, लाइक विशाल्यपति, राष्ट्रपिता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सदर्न किंगडम वॉज वेरी इफिशियंट. अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ऑफ सदर्न किंगडम का, वो बहुत अच्छा था. एवरी ऑर्डर इशू रिलेटेड टू स्टेट अफेयर रिकॉर्डेड डाउन एंड नो एक्शन वॉज टेकन अनलेस ऑथेंटिकेटेड बाई द कंसर्न ऑफिसर. अभी जो भी इशू थे स्टेट अफेयर्स में, जो भी इशू आते थे, वो पहले सब अच्छे से रिकॉर्ड किए जाते थे, और एक्शन जब तक नहीं लिया जाता था जब तक आगे हायर ऑफिसर से कंसर्न नहीं आ जाता था. विलेज ऑटोनॉमी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ इंडिया. अभी विलेजेस को ऑटोनॉमी देते, लाइक विलेज अपने अपने लेवल पे जो भी इशूज है सॉर्ट आउट करो, अपने अपने लेवल पे काम करो. ग्राम सभा लुक आफ्टर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. अभी जो ग्राम सभा थी, इट लुक आफ्टर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. द हेड ऑफ द ग्राम सभा वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम, सच एज ग्राम भोजका, ग्राम ग्रामकुटा एक्सेट्रा. अभी जो ग्राम सभा वॉज, तो उसके अलग अलग नाम थे, एक तो ग्राम भोजका और ग्रामकुटा एक्सेट्रा. हेड ऑफ द ग्राम सभा वॉज इलेक्टेड बाय द विलेजर्स और समटाइम अपॉइंटेड बाय द किंग. अभी जो हेड था ग्राम सभा का, वो कौन इलेक्ट करता था? इट वॉज इलेक्टेड बाय द विलेजर्स, और कभी कभी किंग अपॉइंट करता था. अ काउंसिल सिमिलर टू ग्राम सभा फंक्शनड एट डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविजनल लेवल. एक काउंसिल था जो ग्राम सभा के जैसा फंक्शन करता था, वो डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविजनल लेवल पर था. लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सेस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स वॉज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम. अब रेवेन्यू कहाँ से आता था किंग के पास? किंग के पास रेवेन्यू आता था थ्रू लैंड टैक्स देना पड़ता था उनको. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सरसाइज टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स वॉज ऑल्सो गिवन. इन द किंग ऑफ चोलास, पांड्यास, चेरास, वटाकलास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, यादवास, मैनी प्रोफेशंस रिक्वायर्ड स्पेशलाइज स्किल्स वेयर प्रैक्टिस्ड. अभी इन सबके किंगडम में, अभी तक अपने जितने भी किंगडम पड़े हैं इस टॉपिक में, उन सबके पास प्रोफेशनल स्किल्ड स्पेशलाइज स्किल्स प्रैक्टिस करते थे. हर चीज़ के लिए प्रोफेशंस थे. आइवरी वॉज ऑब्टेंड फ्रॉम द मल्यागिरी जंगल. आइवरी कहाँ से मिलता था उनको? मल्यागिरी जंगल से मिलता था. द कोरोमंडलम प्रोविंस वेयर वेल नोन फॉर एक्सेल क्वालिटी टेक्सटाइल. अभी कोरोमंडलम अपन ने देखा ना, ये किसका तो कैपिटल था, तो किसके लिए फेमस था? फॉर टेक्सटाइल. वहाँ से जो टेक्सटाइल आता था वो बहुत अच्छा था. प्लेन्स एंड कलर्ड कॉटन क्लोथ एज वेल एज सिल्क क्लोथ वॉज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोविंसेस. अभी ये जो कोरोमंडलम टेक्सटाइल प्रोविंस है, उधर से अपने को क्या मिलता था? सिल्क, प्लेन एंड कलर्ड कॉटन क्लोथ, ये सारा इस प्रोविंस से आता था. इन द चेरा किंगडम वॉज नोन द फाइन क्लोथ प्रोड्यूस देयर. अब चेरा किंगडम में क्या था? फाइन क्लोथ प्रोड्यूस होते थे. इट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज इन द इंडियन इंडो रोम ट्रेड. अभी जो फाइन क्लोथ बनता था, ये इंडो रोम ट्रेड जो चलता था उस वक्त, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी प्ले करता था. इट इज़ मैंशनड इन द ट्रैवलर अकाउंट ऑफ मार्को पोलो. और ये ट्रेड, इंडियन रोमो ट्रेड और उनके कमोडिटीज़ के बारे में ये कहाँ से अपने को पता चला, कहाँ पे मेंशन हुआ है? इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द ट्रैवल अकाउंट ऑफ मार्को पोलो. द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इन साउथ इंडिया फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब ट्रेड और इंडस्ट्री क्या हुई? अच्छे से ग्रोथ हुआ, अच्छे से फ्लरिश हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड. इट इज़ लाइक पैठण, थेर, नासिक फ्लरिश्ड इन दिस बिकॉज ऑफ इट. अरे पैठण, ठेर, ये सब क्या हुए? तभी आगे फ्लरिश हो के आए, तभी आगे बढ़े. द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन रूरल एरियाज वे बॉट फॉर सेल इन द सिटीज. अभी जो गुड प्रोड्यूस हुए थे रूरल एरिया में, वो सिटी में लाए जाते थे. द मार्केट प्लेस यूज टू बी लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी. और मार्केट प्लेस कहाँ रहता था? इन द सेंटर ऑफ द सिटी. द मर्चेंट गिल्ड्स इन साउथ इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड द सोशल सिस्टम. अभी जो
गिल्ड्स थे, मर्चेंट गिल्ड्स थे, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड एंड द सोशल सिस्टम. एंड द लास्ट पॉइंट इज लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग पोएट्री एंड ग्रामर वॉज प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया फ्रॉम एंशंट टाइम. अब जो ट्रेडिशन था वो पोएट्री ग्रामर जो सब लिखते थे वो सबसे ज़्यादा किधर था, साउथ इंडिया में था. द संगम लिटरेचर इज सपोज टू बी मोस्ट एंशंट इन द तमिल ट्रेडिशन. अभी संगम लिटरेचर तो जो था वो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, इट वॉज द सपोर्टेड टू बी द एंशंट, सबसे पुराना है ये लिटरेचर, सबसे पुराना है, इसको सपोर्ट किसने किया, तमिल ट्रेडिशंस ने किया. दिस लिटरेचर इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. अब ये जो संगम लिटरेचर है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे अपने को पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पता चलता है. इट इज बिलीव दैट थ्री संगम्स वेर हेल्ड, ऐसे बोलते हैं कि थ्री संगम्स लाइक थ्री काउंसिल्स हुए थे. दिस पीरियड वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ संस्कृत लिटरेचर. अब ये पीरियड क्या था, दिस पीरियड वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द संस्कृत लिटरेचर. कालिदास कंपोज द मेघदूत एट रामटेक इन विदर्भ. अब उस वक्त क्या हुआ था, कालिदास ने कंपोज किया था मेघदूत एट रामटेक विच इज इन विदर्भ. ड्यूरिंग द वकाटका रूल कंपोजिशन इन प्राकृत लैंग्वेज वेर क्रिएटेड. अभी प्राकृत लैंग्वेज में भी पीपल स्टार्टेड राइटिंग कंपोजिशंस एंड ऑल ड्यूरिंग द वकाटका रूल. पर्वसेना टू द वकाटका किंग रोट द वेल नोन कंपोजिशन नेम सेतु बंधा. अभी सी पर्वसेना टू एंड वकाटका किंग उन दोनों ने फेमस कंपोजिशन लिखा नेम्ड एज सेतु बंधा. हरि विजया वॉज कंपोज बाय सर्वसेना द फाउंडर ऑफ वत्सगुलम ब्रांच ऑफ वकाटका. हरि विजया इट वॉज कंपोज बाय सर्वसेना द फाउंडर ऑफ वत्सगुलम ब्रांच ऑफ वकाटका. टू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर आर सीन इन साउथ इंडिया. वन इज द द्रविड़ा स्टाइल एंड द अदर इज द वर्सेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट. अभी आर्किटेक्ट भी वहाँ पे दो टाइप के थे, एक आर्किटेक्ट को उन्होंने द्रविड़ा स्टाइल बोला है और दूसरे आर्किटेक्ट को उन्होंने वेसारा स्टाइल बोला है. द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज एंड डेवलप इन द रीजन फ्रॉम कृष्णा रिवर टू कन्याकुमारी. अब जो द्रविड़ा स्टाइल का आर्किटेक्ट है ये अपने को कहाँ पे देखने मिलता है, इन द रीजन्स फ्रॉम कृष्णा टू कन्याकुमारी. जो एरियाज है कृष्णा टू कन्याकुमारी के जो जहाँ से ये रिवर फ्लो होती है वहाँ के जो रीजन्स हैं वहाँ पे आपको द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन. द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द्रविड़ा आर्किटेक्चर आइडेंटिफाइड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिखारा. अभी एक द्रविड़ा आर्किटेक्चर क्या आइडेंटि उसे क्या आइडेंटिफाई होता है कि ये द्रविड़ा स्टाइल का जो आर्किटेक्चर के जो भी बने हैं फोर्ट पैलेस जो भी बने द्रविड़ा आर्किटेक्चर जहाँ पे भी यूज़ किया है इट इज़ आइडेंटिफाइड इट किसने बनाया है, इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड बाय द शिखारास. इन दिस टाइप द स्ट्रोलर रिड्यूस इन स्टाइल एज अ शिखारा राइजेस. अभी ये कैसे है, स्टोरेज जो टॉप पोजिशन है वो ऐसे रिड्यूस स्टाइल में बताया एज अ शिखारास राइजेस. कैलाशनाथ एंड वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांची, बृद्धेश्वरा टेम्पल एट तंजोरी आर सम ऑफ द एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. अगर आपको द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखना है देन यू विजिट द कैलाशनाथ एंड वैकुंठा पेरुमला टेम्पल एट कांची. ये कांची में दो टेम्पल हैं वहाँ पर आपको ये द्रविड़ा स्टाइल मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम देट बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजोरी यहाँ पे भी आपको द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा. द चालुक्यस बिल्ड टेम्पल्स एट प्लेसेस लाइक अलीहोली बदामी एंड पटन द काला एक्सेट्रा. अब चालुक्यस ने टेम्पल कहाँ कहाँ बांधे, दे बिल्ड टेम्पल्स एट अलीहोली बदामी एंड पटन द काला एक्सेट्रा. ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट पीरियड द वर्ल्ड फेमस कालिदा कैलासा टेम्पल वॉज क्रिएटेड. अभी
कैलासा टेम्पल कब बना था? कैलासा टेम्पल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा पीरियड. द मेटल स्टैचू ऑफ द चोला पीरियड आर द बेस्ट अमॉन्ग इंडियन मेटल स्कल्पचर. अभी जो मेटल स्टैचू बनते थे उस वक्त, वो मेटल स्टैचू चोला पीरियड के एग्जाम्पल हैं. अमॉन्ग देम द मोस्ट फेमस इज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज शिवा. अभी चोला डायनेस्टी में सबसे फेमस कौन सी बनी मूर्ति? वो है ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज शिवा. अभी ये अपन भरतनाट्यम कथक क्लास, इफ यू गो टू डांस क्लास एंड ऑल ना, यू विल सी दिस मूर्ति. आप ये मूर्ति देखोगे, लाइक नटराज बोलते हैं इसको, नटराज की मूर्ति बोलते हैं, और उस पर लाइक शिव भगवान एंड ऑल. ड्यूरिंग द वकाटका पीरियड द स्कल्पचर आर्ट एंड पेंटिंग रीच्ड इट्स ज़ेन. मतलब एक पीक लिया था, एक इम्पोर्टेंस आया था. कब? वकाटका पीरियड में स्कल्पचर आर्ट एंड पेंटिंग को एक इम्पोर्टेंस आया था. द अजंता केव नंबर 1, 2, 16, 17 and 19 वे कार्व्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड. अभी अजंता में बहुत सारे केव्स है, उसमें से केव नंबर 1, 2, 16, 17 and 19 ये वकाटका पीरियड के है. इट सीम्स दैट द आर्टिस्ट हैड गुड नॉलेज अबाउट द डिटेल्स ऑफ फिलोसॉफी एंड नेचर. अब ये जो केव्स पे जो उन्होंने कार्विंग कवर की है ना, आर्किटेक्चर पेंटिंग जो की है, उस पर से पता चलता है उस वक्त आर्टिस्ट को फिलोसॉफी एंड नेचर का बहुत अच्छा नॉलेज था एंड डिटेल नॉलेज था. टिल नाउ वी स्टडीड द कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंशिएंट इंडिया हैड एस्टेब्लिश्ड कल्चरल रिलेशन विथ फार अवे कंट्रीज. अभी ये अपन ने सिर्फ इंडिया का ही देखा है, बट इंडिया के कल्चरल रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ भी बहुत थे. इन नेक्स्ट टू लेसन्स वी स्टडी अबाउट द कल्चरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. थैंक यू.